हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दाल मखनी बनाने जा रहे हैं, जिसे हमने ओवरनाइट भिगोया था। दाल मखनी और थोड़े से राजमा। दाल मखनी के लिए आप उड़द दाल लेंगे और उसे ओवरनाइट भिगोएंगे राजमा के साथ, अगर आप उसमें डालना चाहते हैं तो। तो गाइस, हमें इसमें क्या चाहिए होगा, देसी घी, अदरक का पेस्ट, साथ में सारे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया, जीरा, जो जो मसाले आप यूज़ करना चाहते हैं, और हमारा फेवरेट किचन किंग। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, 2 गरम हो चुका है और जो दाल और राजमा हमने बॉईल किया है वो हम बोल इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी। साथ ही साथ 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम डाल रहे हैं स्पाइसेस। आप स्पाइसेस अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें जाएगा नमक, हल्दी, पिसा हुआ जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया। हमें अब इसे मिक्स करेंगे और इसमें जाएंगे 4 पीसेस ऑफ बटर। कुकर बंद करके इसको 3 से 4 विसल्स लेंगे। अब हम एक पैन में लेंगे जीरा और साथ में कसूरी मेथी और उसे और बस इसे ब्राउन शेड में लाने के लिए थोड़ा सा पकाना है। इस तरह आप इसे हिलाते रहिएगा ताकि ये एक जगह रह के जले ना। हमें 5 विसल्स लग गई हैं अब इस कुकर को, साथ साथ वहाँ पे हमारी कसूरी मेथी और जीरा। बिल्कुल 5 विसल्स हमारी दाल को लग गई हैं और हमने अभी इसको बंद कर दिया है। साथ साथ हमारी कसूरी मेथी और जीरा बिल्कुल ब्राउन कलर के होने के लिए रेडी हैं। और यहाँ मैंने टमाटर का पेस्ट रेडी कर लिया है। एक बड़ा टमाटर ले सकते हैं आप या 2 छोटे टमाटर ले सकते हैं। और साथ साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यहाँ रेडी है। अब तड़का रेडी करने के लिए 1 कच्ची घी डालना है आपको, देसी घी डाला है हमने। दाल मखनी का हमारा ये मसाला भी तैयार है। इसे ग्राइंड करना है कसूरी मेथी और जीरा को, जो हमने भून के ब्राउन किया है। साथ साथ अब अदरक और लहसुन का पेस्ट देसी घी में जाएगा पूरा। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद अब इसमें टमाटर जाएगा, जो हमने इसको पीसा है, ग्राइंड किया है। और अब हमारी दाल ऐसे ये उबल चुकी है। इसे आप दबा के भी देख सकते हैं कि ये पूरी पकी है कि नहीं हमारी दाल। और अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे हरी मिर्च। अपने स्वाद अनुसार दाल में नमक चेक करके आप उस हिसाब से नमक डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे और अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम किचन किंग। ये मेरा फेवरेट मसाला है क्योंकि ये सारी सब्जियों में, सारी दालों में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। अब टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जैसे ही आप इसका कलर चेंज होता हुआ देखेंगे और देखेंगे कि ये घी छोड़ रहा है, तभी आपको पता चल जाएगा कि टमाटर पक चुका है। और अब हम कुकर से दाल इसमें मिक्स करेंगे। हमारी दाल का कलर बहुत अच्छा आया है, ये कलर आपका आना चाहिए। अब ये दाल पकाएंगे, साथ साथ अब इसमें कसूरी मेथी और जीरे का जो हमने मसाला भुना था वो रेडी है और वो डालेंगे। और इसमें कुछ 4 पीसेस हमने अभी बटर के डाले हैं। अब ये दाल को हम पकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे कुक किया है, थोड़ी देर पकाते रहे हम इसे। अब ये देख सकते हैं हमारी दाल मखनी रेडी हो चुकी है और हमने खाना खा लिया है। तो थैंक यू। सकते हैं न्यूजीलैंड का वेदर, आज धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। और अगर आप ऐसी और कुकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए नीचे आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए और आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।